Assalamualaikum friends, hello everyone, नमस्ते, आप सब कैसे हैं? मैं हूं मैं देन जिसको रिएक्शन चैनल 2.0 पर स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर एक दफा फिर से। तो आज भाई पाकिस्तान को रोस्ट किया जाने वाला है इस वीडियो में, बहुत ज्यादा मजा आएगा वीडियो में, मतलब पाकिस्तान के लोगों को, पाकिस्तान पॉलिटिशियंस और कुछ है यूट्यूबर्स उनको भी, तो बहुत ज्यादा मजा आएगा। किटकैट मतलब किटू राव जो है उनकी वीडियो है, बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उनकी भी जाकर वीडियो को जरूर देखेगा। हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जैसे ज्यादा कीजिए, जो लोग रोजाना हमारी वीडियो देखते हैं उनको बहुत ही ज्यादा शुक्रिया। फिर देखते हैं आज वीडियो, चल अल्लाह बचाए मेरी जान के रतिया में फंस गई। आप लोगों ने दुनिया को, तो मैंने कहा कि ये पाकिस्तान एक मिसाल इसकी ये है कि एक हाथ में हमारे एक न्यूक्लियर ताकत है और दूसरे हाथ में कश्मीर, सारे बेरोजगार सियासतदान खड़े, हम अगर कश्मीरियों के साथ नहीं खड़े होंगे तो कौन खड़ा होगा उनके साथ? क्या मत बनाओ लोगों को। शहबाज शरीफ जो मैंडेला बनने की कोशिश करता है वो भी खड़ा हुआ था। हर कोई सिर्फ और सिर्फ दूसरे पे तनकीद करने में मसरूफ है, ईंट का जवाब पत्थर से दिया जा रहा है, यही सब करते रहो। तो कैसे हो किटकैट्स? मैं नहीं बताऊंगा, दुनिया घुमा देंगे। अरे भाई, बचपन से ही मैं ऐसी हूँ कि किसी चीज से सामने वाले को मिर्ची लगती है ना तो मुझे और लगाने में यार मजा आता है। मैंने एक वीडियो बनाया था इमरान खान के ऊपर जिसमें मेजर सर ने एक मिसाइल छोड़ी जिन्ना नाम की और वो डायरेक्ट जाकर लगी पाकिस्तान के पिछवाड़े में। देश संकट में है, उनको इतनी जलन हुई, उनके तन बदन में आग लग गई, बर्नोल की कमी हो गई। वैसे तो मेडिसिन की वैसे ही कमी है पाकिस्तान में। पहले तो मैं आपको ये जिन्ना का पुतला दिखा दूं, यार किसने बनाया है ये? ऐसा लग रहा है जैसे गिरने वाला हो। पहले जिन्ना का पुतला तो बैलेंस कर लो, तभी तो तुम्हारी इकोनॉमी बैलेंस होगी। इतना कुपोषित जिन्ना का पुतला। देखो इन दो झाइलों को, अब सुनते हैं इन दो झाइलों के जिन्ना के बारे में विचार। जिन्ना तो हीरो था। अबे साले, जिन्ना हीरो नहीं था, जिन्ना तो लीडर था, टीबी का मरीज था, जिन्ना तो एक अमीर खानदान था, कुपोषित था, जिन्ना तो एक दुनिया का स्टार था, दुनिया का हीरो, गद्दार था। जिन्ना जैसा कोई है आपके मुल्क में? हमारे मुल्क को ऐसा दोगला इंसान चाहिए भी नहीं जो खुद तो दारू पीता हो, सुअर का मांस खाता हो, नमाज नहीं पढ़ता हो, लेकिन पूरी आवाम के लिए रूल बना जाए कि तुम्हारे लिए ये सब हराम है। गांधी खानदान से पूछो जिन्ना की कदर, आपने पूछनी है ना। ओके, कौन था ये, कोई जानता है? नहीं, मैं आपको बताता हूँ कौन था। कुंभकर्ण। लेकिन एक सेकंड, शिकंजी बेचने वाला व्यक्ति था, पानी में चीनी मिलाता था। अरे बाबा, क्या करता था वो? ढाबा चलाता था। A few moments later, कौन था वो? मैकेनिक था, मैकेनिक। मैं पप्पू हूँ, मैं भुट्टो हूँ, मैं पप्पू हूँ, मैं भुट्टो हूँ, मैं पप्पू हूँ, मैं भुट्टो हूँ, मैं भुट्टो हूँ, मैं पप्पू हूँ, मैं पप्पू हूँ। और पप्पू पास हो गया। असल में ना आप जलते हो, इनसे जलेगी हमारी, इंडिया के सामने औकात क्या है तुम्हारी? और आप खाते हो पाकिस्तान के नाम से, इंडियन एंकर जितने भी हैं। अब जाहिलो, पहले अपने आटा का जुगाड़ कर लो, बस भूख के मारे तुम्हारी फ्रस्ट्रेशन है ना बाहर आ रही है। और जो चीज फनी हो, फनी वे में हो, उसी फन के लिए लिया करो, मिसाइल समझ के अपने पिछवाड़े में मत डाला करो। पूरा हिंदुस्तान के व्लॉगर एंकर इमरान खान के नाम के बगैर मुझे एक वीडियो डाल के दिखा दो। आइंस्टाइन घबरा गए तो मैंने उनको समझाया, मैंने कहा कोई फिक्र ना करो। जिस दिन पाकिस्तान अपने पांव पे खड़ा हो गया ना, पैरों पर खड़ा पहले जिन्ना के पुतले को कर लो। और रही बात पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान कभी अपने पैरों पर खड़ा नहीं होगा, वो टुंडा हो चुका है, अब वो रेंगता हुआ चलेगा। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा अगर किसी को दुख होगा तो वो हिंदुस्तान होगा। 2000 years later, हम आज भी वहीं पर खड़े हैं जहाँ पर हम खड़े थे। फिर हमें भी मजा आ रहा है। मुझे तो मजा आ रहा था ना, तो मेरे फेस पर मजा साफ दिख रहा था, लेकिन तेरे पर तो मजा दिख ही नहीं रहा है। तेरे पर तो लग रहा है मिर्ची लग रही हो, धुआं निकल रहा है, जलने की बू आ रही है। हिंदुओं का मंदिर गिराए जा रहे हैं ना। कभी बोलते हैं इंडिया में मस्जिद तोड़ी जा रही है, कभी बोलते हैं मंदिर तोड़े जा रहे हैं। तुम पहले डिसाइड कर लो कि इंडिया में हो क्या रहा है, उसके बाद अपनी चोंच खोला करो। आप से डरते हैं? हां भाई हां। आप बैठ के कहना शुरू कर देते हैं एंकर के जिस तरह एक औरत बैठ के। अबे साले, औरत होगी तेरी अम्मा, इज्जत से किट्टू राव बोला करो। हमें ग्रे लिस्ट में रखने वाले आप हैं भाई। अरे के जाहिल, टेररिस्ट बनाए ये और ग्रे लिस्ट में इंडिया की वजह से डल गए ये। A few moments later, हमारे के गवर्नमेंट चोर है, डाकू है, लुटेरे हैं, करप्शन करने वाले हैं, दो नंबरी करने वाले हैं, वो कैसे मुल्क की हालात सही करेंगे? अब है ना लाइन पे। अब इमरान खान के मुंह से सुनो कि तुम पैसों के लिए कुछ भी बन सकते। ये मुल्क का माफिया है, कोई दीन ईमान नहीं है, जहादी भी बन जाएंगे, लिबरल भी बन जाएंगे, जिधर पैसा बच जाए।
एक तरफ ये जिन्ना जिन्ना ये था, जिन्ना वो था, जिन्ना पता नहीं क्या था, दूसरी तरफ जिन्ना के पुतले से चश्मा चोरी कर ले गए। डीसी ऑफिस विहाड़ी में नस्ब कायदे आजम के मुजस्मे की ऐनक चोरी, सीसीटीवी कैमरों और सिक्योरिटी के बावजूद चोर ऐनक ले गए। आज मैं उस मुकाम पे खड़ा हूँ जिसे हजरत कायदे आजम ने कहा था, चोर डाकू चोर चोर। उन्होंने ये भी कहा कि मुश्किल हालात में भी पाकिस्तानियों का जज्बा देखकर मैं हैरान हूँ। ये पाकिस्तानी आवाम अपने नेताओं के भाषणबाजी भी याद नहीं रखती है। शहबाज शरीफ ने बोल बच्चन किए थे कि अगर 6 महीने में पाकिस्तान के हालात ठीक नहीं किए ना तो उसका नाम इमरान खान नियाजी रख लेना। अल्लाह ताला हमें मौका दे तो ये मुसद्दा अपोजिशन के साथ मिलकर हम 6 महीने में पाकिस्तान की मईशत को ठीक करेंगे, वगरना मेरा नाम इमरान नियाजी रख देना। अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है कि तूने मेरी दुआएं कबूल कर ली हैं। हमने जेल भरो तहरीक करनी, हम इंशाल्लाह पाकिस्तान के सारे जेलों भर देंगे। भाई तुम सबके सब इमरान खान ने देखो किस चीज में महारत हासिल की है। कोई भी पाकिस्तान में धरने का एक्सपर्ट है वो यहाँ खड़ा है। मैं जानता हूँ कंटेनर और धरना क्या होता है। ये हमारी बहुत बड़ी अचीवमेंट है। खुद इमरान खान के मुंह से सुनो कि ये झंडा किसका गाड़ेगा। इमरान खान यहाँ इसराइल का झंडा गाड़ने आया है। जो कंट्री तुम्हारे लिए वजूद में ही नहीं है उसका झंडा गाड़ेगा इमरान खान। और इससे बड़ा सितम, इससे बड़ा जुल्म क्या हो सकता है। शहबाज शरीफ बोल रहा, एक पैसे का भी अगर घोटाला किया हो तो मैं कब्र में चला जाऊँ, उसके बाद मेरे को लटका देना। उस मालिक से डर के मैं कहता हूँ कब्र में चले जाऊंगा अगर मेरे खिलाफ एक धेले की अवामी पैसों में एक धेले की करप्शन साबित हो जाए तो कब्र से निकाल कर मुझे आप एक तख्तादार में लटका दीजिएगा सजा के तौर। गजब डूबी वाजा। गुज़िश्ता 8 माह में महंगाई की जो शरह है उसमें होशरुबा इजाफा हो चुका है। मुल्क का माशी बहरान संगीन हो चुका है। महंगाई, बेरोजगारी, गुर्बत के नए रिकॉर्ड सामने आ रहे हैं। इस तमाम तर सूरत हाल का जिम्मेदार आखिर कौन है? आपको कोई इतराज़ उस पे? मगर फिर भी सुधरने को हम तैयार नहीं है। फिर हमें खौफ था, आपने सबसे पहले घबराना। शहबाज शरीफ जरदारी को धमकी दे रहा है। जरदारी को लाड़काना कराची पेशावर और लाहौर की सड़कों पे नार घसीटा तो मेरा नाम जमा नहीं। काम वो था जो करके दिखाते हैं। जबानी कलामी कुछ नहीं होता, जबानी जमा खर्च तो कोई भी कर लेगा, प्रैक्टिकली करके दिखाए। मेरी छतरी के नीचे आ जा। नहीं, अल्लाह बचाए मेरी जान के रतिया कुंडों में फंस गई। बिलावल भुट्टो कितना नालायक बेटा है यार, अगर मेरे बाप के लिए कोई ऐसा बोले ना मैं तो उसकी खोपड़ी तोड़ दूँ। ये बस अल्लाह बचाए मेरी जान के रतिया कुंडों में फंस गई। यहाँ पर भेजा खाली है, क्या है भेजा, क्या है आवाज जी, भेजा क्या है, भेजा क्या है, खाली है भेजा नहीं है। थोड़ा बहुत दिमाग है उसको भी, क्यों खाली करना चाह रहे है। यू मस्ट कैच दिस मोमेंट विद योर कन्विक्शन विद योर हार्ट एंड योर माइंड। बनाते हैं यार नवाज शरीफ इस मुल्क का अल्लाह ताला के फर्ज करम से और आपकी दुआ और वोटों से वजीर आजम बनेगा तो ये 2 रुपए की रोटी पंजाब नहीं पूरे पाकिस्तान में 2 रुपए की रोटी होगी इंशाल्लाह। माशाल्लाह सुभानअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मैं अपने कपड़े बेचूंगा और आपको मैं आटा मुहैया करूंगा। और ये पीएम बनते ही पाकिस्तान ज्यादा भूखा मरने लगा है। भूखा मर मर के इन दो जाहिलों जैसा हो गया है। और वैसे ये दोनों जाहिल भी मुझे जिन्ना जैसे लग रहे हैं, क्योंकि जिन्ना भी कुपोषण का शिकार था और भी ये भी, इवन पूरा पाकिस्तानी कुपोषण का शिकार है। शहबाज शरीफ खुद गलती करता है और देखो क्या बोलता है। इल्जाम लगाए और उसको सच्चा साबित करे, आपका गरेबान होगा मेरा, आपका गरेबान होगा मेरा, आपका गरेबान होगा मेरा, मेरा मुंह बंद कर गई, मेरी जबान टूट गई यार। शहबाज शरीफ अकेला एक ऐसा इंसान है जिसकी गर्दन झुक सकती है मगर कट नहीं सकती। ना कभी इससे एनआरओ मांगा, ना कभी मांगेंगे, ये गर्दन झुक सकती है इसके आगे कट नहीं सकती। शाबाश, ये गर्दन झुक सकती है इसके आगे कट नहीं सकती। मदरसे छाप। मस्त जोक मारा रे। तुम दोनों में से जूता अच्छी तरह पॉलिश करना किसको आता है? मुझे आता। तेरा नाम क्या है? शहबाज शरीफ। नेटवर्क, इस घर के सारे जूते लाके इसको दे दो। इसके ऊपर बाइस से फखर है। और जाते जाते इन दोनों जाहिलों के लिए मेरे पास एक मैसेज है।
दफाओ दफाओ, मैं तो बोलती हूँ इससे डबल जहालत दिखाओ। तो ये था आज का वीडियो, आपके क्या थॉट्स हैं इस वीडियो के बारे में वो कमेंट सेक्शन में बता देना। आप अपना ख्याल रखना, लव यू माय किटकैट्स। जी तो गाइस ये थी आज की वीडियो और काफ़ी अच्छी वीडियो, बहुत ही मेहनत से बनाई गई वीडियो है। ये एडिट करने में इन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत की है, सच्ची में मैं अप्रिशिएट करती हूँ इनको, इनकी मेहनत को। और भाई पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस जो हैं आपको पता ही है, उनकी तकरीरें होती हैं और उनमें जो बयान कभी कभी जुबान फिसल जाती है, जुबान फिसल जाती है। मतलब मैंने ना किसी दूसरे कंट्री के किसी ना PM की स्पीच सुनी हो या कभी मैंने ऐसा नहीं सुना कि उनकी जुबान से कोई इस तरह से जुबान से लफज फिसल जाते हैं, उनकी जुबान से। मुझे लगता है देखें थोड़ी बहुत ही तो सबकी फिसल जाती है, ये नहीं है कि पाकिस्तान की, वैसे एक बात है कि हाँ लेकिन सबकी होता है। ये आप अगर अगर देखेंगे तो आपके चारों तरफ ही कई वजीर आजम होते हैं, बाहर डोनाल्ड ट्रंप की हमने कई दफा ऐसी स्पीच सुनी है, डोनाल्ड ट्रंप के अलावा किसी और ऐसे, मतलब उसको भी लोग मजाक तो तुम्हें पता है डोनाल्ड ट्रंप का भी बहुत ज्यादा बनाते हैं, लेकिन कोई ऐसा बंदा जो बहुत ज्यादा सिंसियर अपने कंट्री के साथ, जो बहुत ज्यादा ना अकलमंद जिसको बोलते हैं, वैसे किसी PM मतलब जो PM होते हैं ना, मुझे लगता है कि वो ज्यादातर बोलते ही नहीं है, बिल्कुल बहुत ही कम बोलते हैं, वो अपने काम के जरिए लोगों को बताते हैं कि ये देखो ये हमारी परफॉर्मेंस है, ये नहीं है कि आग बस बोल बच्चन बनते रहो कि यार हम ये करेंगे हम वो करेंगे। और शहबाज शरीफ की स्पीचेस सुन के तो मुझे बहुत ज्यादा हंसी आती है कि करते क्या है, इतना ज्यादा जोश, इतना ज्यादा जोश, बिल्कुल बहुत ही। जब ये पंजाब के CM थे ना तो पंजाब में तो बिल्कुल ये देखें जो बात है तो वो बात सो है कि पंजाब में इन्होंने बहुत ही काम किया है। वैसे तो लाहौर आप देखेंगे ना तो आज पाकिस्तान का सबसे बेहतरीन शहर है और सबसे डेवलप ज्यादा सबसे शहर है, तो इसमें वो नून लीग की हुकूमत ही थी इनकी, तो इन्होंने बहुत ही ज्यादा यहाँ काम डेवलपमेंट तो इन्होंने की, हाँ बहुत ही ज्यादा करप्शन भी इन्होंने किया। ये इन्होंने झूठ बहुत ज्यादा बड़ा बोला कि अगर एक बैग भी आप मेरे किसी पर मुझ पर साबित कर दें तो मैं क्या मुझे कब्र से उठा के तो फंदे पे लटका देना, ये इनके ये तो वो बेहतर जानेंगे उन्होंने करप्शन की है या नहीं की। हमें नहीं पता, तुम क्या अंधे हो, तुम्हें नजर नहीं आता इतनी ज्यादा करप्शन के उनके खिलाफ नहीं नहीं सबूत भी जाहिर हो गया, लेकिन अभी वो उनके पास केसेस काफी ज्यादा चल रहे हैं लेकिन उनका कोई भी ये इस तरह से बयानबाजी तो नहीं करनी चाहिए कि मुझे कब्र से उठा के मुझे सूली पे लटका देना अगर मेरे खिलाफ एक भी साबित हो जाए। मतलब करप्शन तो जितने भी आए हैं सबने की है, ये तो बहुत बड़ा एक झूठ होगा वो आपके सामने आगे मुझे लटका देना, अजीब बात है। और ये एक बात इनकी 2 रुपए की रोटी कर दी जाएगी जब हमारी हुकूमत आएगी, 2 रुपए की मुझे नहीं याद कि कभी भी रोटी हुई हो, 2 रुपए जितनी तो भी सस्ते यहाँ पे मतलब हुई हो कि महंगाई ना हो, 2 रुपए की रोटी मैंने अपने होश में मैंने कभी नहीं देखी 2 रुपए की रोटी, अभी 25 रुपए की सादा रोटी जो है ना 25 रुपए की अभी मिल रही है इस टाइम पे, इतनी ज्यादा महंगाई हो चुकी है। और ये है कि एक दूसरे पे बयानबाजी करने में इसी वजह से दूसरे मतलब अभी इंडिया है वहां पे हम काम करता था, यहाँ पे बैठे क्यों नहीं लोग उनका मजाक बनाते कि वहाँ का PM इस तरह से आग बातें करता है या ये वो, हाँ, वो उन्होंने काम नहीं किया लेकिन वो मतलब करते हैं, यहाँ पे ये लोग काम नहीं करते इस वजह से, तो वहां से ये इस तरह से वीडियोस बन के आती हैं फिर इनका इस तरह से मजाक उड़ाया जाता है। ये खुद तो मौका देते हैं, अगर मौका ना किसी को दो काम करो तो फिर कोई आपको अप्रिशिएट करेगा, बेवकूफ तो नहीं कि आपके यहाँ मजाक बनाएंगे, इनको चाहिए कि अपने काम करें, जो ये बातें ना करें आके आवाम में कि भाई ये इस तरह से उस तरह से, तो ये तो मुझे बिल्कुल हरकत अच्छी नहीं इनकी लगती जो बयानबाजी करते हैं। अपने काम से दुनिया को बताया जाता है कि मैंने ये काम किया है और लोग अप्रिशिएट उसको करते हैं, तो बिल्कुल यही थी आज की वीडियो, बहुत मजा आया वीडियो को देखे, उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद है वीडियो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फिर मिलता है कौन वीडियो, थैंक यू।